वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आपको पता है कुछ ही घंटे रह गए न्यू ईयर में, इसी के चलते आज की इस वीडियो में न्यू ईयर में फोटो एडिटिंग करने वाले हैं कुछ इस टाइप की। देखने में ये एडिटिंग काफी क्रिएटिव लग रही है एंड आपको भी एडिटिंग सीखनी है एकदम इजी तरीके से, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। मैंने इस वीडियो में काफी मेन बातें बताई आपको, तो प्लीज इस वीडियो को मिस मत करना, स्टार्ट से एंड तक फुल वॉच करना परफेक्ट फोटो एडिटिंग सीखने के लिए। अब बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आपको ये वाला बैकग्राउंड ओपन करना है, कैसे डाउनलोड करना है वो वीडियो में आगे चल के आपको बता दूंगा। एंड उसके बाद आपको ऐड फोटो पे क्लिक करके अपनी फोटो को ऐड करना, तो मैं अपनी फोटो को ऐड कर लेता हूँ। फोटो ऐड करने के बाद कटआउट वैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो मैं अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। आप भी अपनी फोटो का बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव करना, जब आप एक अच्छी एडिटिंग कर पाओगे। वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट कर दी, अगर वीडियो को फास्ट नहीं करता तो काफी लॉन्ग वीडियो बनती। एंड आप अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद अपनी फोटो को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना, तो मैं दूसरे कॉर्नर में एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज ऐड करनी है, तो साइड में लेयर पे क्लिक करके इसे मूव डाउन कर देते हैं। तो लेयर पे क्लिक करते हैं एंड इसे मूव डाउन कर देते हैं एंड साइड में इसको भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। आप भी अपनी फोटो को सबसे अच्छे से एडजस्ट करना इस पीएनजी को, तो मैं तो अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड फोटो पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पीएनजी ऐड करनी है। तो मैं ऐड फोटो पे करता हूँ क्लिक और पीएनजी को करता हूँ ऐड, जो कि लाइट की पीएनजी होने वाली है। तो सबसे पहले इसका ब्लाइंड मोड चेंज करेंगे, इसका ब्लाइंड मोड रखेंगे स्क्रीन और पीछे की साइड मूव डाउन कर देंगे एंड इसके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। तो मूव डाउन अप करते हैं एक बार, तो मूव अप करेंगे हम एंड कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे पीछे की साइड एंड इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे एंड इसको नीचे की साइड कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको रेजर बटन पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से इफेक्ट देना है। इसकी ब्रश की हार्डनेस आपको लो करनी है एकदम माइनस एंड कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट देना है जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ। इससे हमारी फोटो देखने में काफी रियल लगेगी, तो आप इसे अपनी फोटो में मिस मत करना। अच्छे से इफेक्ट देने के बाद आपको ऊपर की साइड डन बटन पे क्लिक करना है, तो मैं अच्छी तरीके से पहले दे लेता हूँ। एंड डन बटन पे क्लिक करने के बाद साइड में कॉर्नर इसका थोड़ा सा दिख रहा है एंड उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो रिजर्व पे क्लिक करता हूँ और साइड में मैं इसे रिमूव कर लूंगा कुछ इस तरीके से। तो आप भी इस बात का ध्यान रखना कि इसका कॉर्नर जरूर आपको रिमूव करना है एंड उसके बाद आपको डन बटन पे क्लिक करना है। दोबारा से ऐड फोटो पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज ऐड करेंगे, तो भाई पीएनजी को ऊपर की साइड थोड़ा जूम करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे एंड इसके बाद आपको दोबारा से ऐड फोटो पे क्लिक करना है। फिर दोबारा से नेक्स्ट पेज आपको ऐड करनी है, जो कि कुछ इस तरीके से होने वाली है। सबसे पहले इसकी फुल स्क्रीन करेंगे, तो फुल स्क्रीन कर लेंगे सबसे पहले इसे एंड फुल स्क्रीन करने के बाद इसका ब्लाइंड मोड चेंज करेंगे, तो ब्लाइंड मोड रखेंगे इसका स्क्रीन एंड स्क्रीन रखने के बाद आपको रिजर्व बटन पे क्लिक करना और अपनी स्क्रीन से ये पीएनजी कुछ इस तरीके से रिमूव करनी है जिस तरीके से मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छे से रिमूव कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन पे। अगर आपका एडिटिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड इसे रिमूव करने के बाद आपको दोबारा से ऐड फोटो पे क्लिक करना है, फिर दोबारा से नेक्स्ट पीएनजी ऐड करनी है, इसे नीचे की साइड कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। तो आपको भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है, तो अच्छे से एडजस्ट कर लेना एंड अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको ऊपर की साइड डन बटन पे क्लिक करना है। अब हम स्क्रीन मैच कराएंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन से, तो पहले डन करने के बाद कुछ टाइम लोडिंग हो सकती है आपकी कुछ सेकंड। तो भाई देख लो ध्यान से, हमारी स्क्रीन मैच थोड़ी सी भी नहीं हो रही, तो हम स्क्रीन मैचिंग कराएंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन से। तो सबसे पहले फोटो को सेव करते हैं, फोटो को सेव करने के लिए आपको ड्रॉ टूल पे क्लिक करना है। तो ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको यहां से थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेव इमेज पे क्लिक करके फोटो को कर लेते हैं सेव। चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में जिसका नाम है स्नैपचैट, ऑलरेडी आपके मोबाइल में होगा, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको सिलेक्टिव पर जाकर अपनी फेस की स्क्रीन सिलेक्ट करनी है और उसकी सैचुरेशन आपको माइनस करनी है, ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज करनी है अपनी फोटो के हिसाब से। तो अच्छे से इसे एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं स्क्रीन मैचिंग करा रहा हूं अपनी फोटो की, सेम उसी तरीके से फिर आपको अपनी फोटो की स्क्रीन मैचिंग करानी है। तो ध्यान से देख लो किस तरीके से स्क्रीन मैचिंग करानी है आपको, सैचुरेशन और ब्राइटनेस आपको अपनी फोटो के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी, सेम मेरी तरह मत रखना। तो मैं अच्छे से मैच करा लेता हूं। वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट कर दी, अगर वीडियो को फास्ट नहीं करता तो काफी लॉन्ग वीडियो बनती, बट आप अच्छे से मैच करा लेना और उसके बाद आपको डन बटन पे क्लिक करना। काफी हद तक हमारी स्क्रीन मैच हो चुकी है, अभी हम और मैच करेंगे। सबसे पहले ट्यून इमेज पे से जाके अपनी फोटो की लाइट एडजस्ट कर लेते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा माइनस रखेंगे एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा प्लस हल्का सा एंड उसके बाद आपको एमोनेस भी थोड़ी सी प्लस करनी है और नीचे की साइड से हाईलाइट को भी थोड़ा सा माइनस कर ही देते हैं, शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज, इसको भी थोड़ा सा प्लस कर ही देते हैं। अब नीचे की साइड आपको डन बटन पे क्लिक करना है, फिर साइड में आपको एडिट वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, फोटो की डिटेल थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, शार्पनिंग नॉर्मल ही रहने देंगे, नीचे की साइड से डन बटन पे क्लिक करेंगे। इस एप्लीकेशन से बस हम इतना ही करेंगे, ऊपर की साइड शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में जिसका नाम है लाइटरूम। लाइटरूम में फोटो ओपन करने के बाद सबसे पहले लाइटरूम में हम फोटो की लाइट एडजस्ट करेंगे, तो लाइट पे क्लिक करते हैं। पहले हमने स्नैपशॉट से लाइट एडजस्ट कर दी, तो कुछ ही चेंजेस करेंगे बस, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस एंड ब्लैक्स को भी थोड़ा सा माइनस ही करेंगे, और सबने हमने पहले से एडजस्ट करी हुई है तो ब्लैक्स को थोड़ा सा माइनस कर देंगे। एंड उसके बाद फोटो के कलर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, ऑरेंज कलर हमारे स्क्रीन का कलर है, तो इसकी एम्बुलेंस थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे और सैचुरेशन इसकी थोड़ी सी माइनस करेंगे कुछ इतनी परसेंट। सैचुरेशन एडजस्ट करने के बाद अब इसकी एम्बुलेंस भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो भाई एकदम सिंपल है, जैसे मैं कलर एडजस्ट कर रहा हूँ अपनी फोटो में, सेम उसी तरीके से फिर आपको अपनी फोटो में कलर एडजस्ट करना है, तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप देख कर भी अच्छे से सीख सकते हो। तो आप ध्यान से देखना कैसे मैं कलर एडजस्ट कर रहा हूँ।
तो भाई एक बात बताना तो भूल ही गया कि बैकग्राउंड पीएनजी आपको कैसे डाउनलोड करनी है। बैकग्राउंड एंड पीएनजी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। अच्छे से कलर एडजस्ट करने के बाद आपको ऊपर की साइड डन बटन पे क्लिक करना है। फोटो का टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा प्लस करेंगे एंड इसका वाइब्रेंस भी थोड़ा सा प्लस ही रहने देंगे। और उसके बाद आपको नेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है। सबसे पहले टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उसके बाद क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, विंटेज को थोड़ा सा माइनस करेंगे। विंटेज को आप अपनी फोटो के हिसाब से भी अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, वरना मेरी तरह भी रख सकते हो। लाइटरूम से हमारी फोटो में काफी डिफरेंट आया और पहले से भी काफी अच्छी हमारी एडिटिंग हो चुकी है, बिफोर एंड आफ्टर देख ही सकते हो आप। स्किन मैच भी काफी हद तक अच्छी हो चुकी है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी ये फोटो एडिटिंग आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। डेली क्रिएटिव एडिटिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं। और भाई इस वीडियो पर लाइक हम रखते हैं 200 लाइक का, तो प्लीज कंप्लीट करा देना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर लाइक कर दो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में क्रिएटिव एडिटिंग के साथ।